Good morning, class. Today we are going to continue our second chapter, that is indicator of growth and development. In previous lecture we discussed about the meaning, importance, limitation and difference between economic growth and economic development. In this lecture we will discuss the indicators of development. As we all know, we are developing somewhere. Okay, hum yahan pe develop nation ka hamara ho raha hai, but kitna ho raha hai, मेजर तो करना है उसे, कितना परसेंट इंक्रीज़ हो रहा है, कितना चेंजेस आ रहा है, तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स है. सो दिस फोर आर द वेरियस इंडिकेटर विच वी विल टेक इन कंसिडरेशन. सो फर्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, सेकेंड ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम, थर्ड फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इन शॉर्ट वी कैन कॉल इट PQLI, HDI, fourth point, human development index. So these are the various four factors which will taken into consideration for to measure the development. Let's discuss in detail the point wise. Okay, and the one more thing, this indicator of development is very important. Mostly question they will ask about the HDI and PQLI, so do it properly. Okay, so the first point, growth rate of national income. According to this indicator, a country is said to have attained economic development if there is a continuous increase in the real national income of the country for a long period of time. If the rate of rise in national income is high, the development rate is said to be high. If national increase in a lower rate, the rate of development is low. If the national income does not rise, it depicts the state of stagnancy, and if national income decreases, there is a underdevelopment or negative development. So in this indicator, एक country कब कहलाएगी कि वो economic development वहाँ पे continue है. वहाँ पे अगर जब जिनका इंक्रीज़ हो रहा है नेशनल इनकम, जो कंट्री का भी नेशनल इनकम कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है बहुत लंबे टाइम से, अगर उसका नेशनल इनकम जो है वो हाई है, ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, तो उससे हम क्या बोलेंगे नेशन को, डेवलपमेंट वहाँ नेशन का हाई है. अगर किसी नेशन का नेशनल इनकम इंक्रीज़ कम कम हुआ, लोअर रेट पे हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, उस नेशन का डेवलपमेंट लो है. अगर कोई नेशन का नेशनल इनकम नहीं इंक्रीज़ हुआ, वही का वही है, तो उसे हम स्टैग्नेंट बोल देंगे. अगर कोई नेशन का नेशनल इनकम डिक्रीज़ होता है, तो उसे हम बोलेंगे कि वो नेशन हमारा अंडर डेवलपमेंट में और नेगेटिव डेवलपमेंट में आता है. क्लियर है आपको? नाउ वी विल डिस्कस डेफिनेट एक्सप्रेशंस ऑफ दिस ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम. सो दिस आर द वेरियस कंट्री एंड देयर एनुअल ग्रोथ रेट. सो ऑन टॉप फर्स्ट इज नॉर्वे. नॉर्वे का एनुअल ग्रोथ रेट जो परसेंट में इंक्रीज हुआ है उनके नेशनल इनकम में, कितना है वो, 2.2% है. अमेरिका 2.4%, श्रीलंका 4.5%, चाइना 7.3%, इंडिया 7.3% एंड पाकिस्तान 4.7%. ये जो यहाँ पे जो वैल्यूज़ है, जो इंक्रीमेंट्स जो दिया है यहाँ पे दिखाया है, ये इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ था 15 एंड 16, उसका यहाँ पे शो किया है. उस टाइम यहाँ पे जो कंट्री का यहाँ पे आप कंपेयर करो, तो सब में हमारा कंपैरिजन इंडिया का दिख रहा है कि इंडिया हाई रेट पे डेवलप कर रहा है. इनफैक्ट चाइना भी डेवलप हाई रेट पे कर रहा है, ठीक है. बट ये बोल सकते हैं कि इंडिया डेवलप हो चुका है, सबसे तो हम आगे हैं? नहीं. क्यों? क्योंकि नॉर्वे और अमेरिका जो कि डेवलप हो चुकी है, एज वी ऑल नो, एक बार डेवलपमेंट हो गया उसके बाद का जो इंक्रीज हम, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं. तो उनका ग्रोथ क्या हो रहा है, उनका डेवलपमेंट के बाद भी वो 2.2% 2.4% इनकम इंक्रीज हो रहा है, तो उसे तो हम कंपेयर नहीं कर सकते अपना इंडिया. बट वी आर डेवलपिंग समवेयर, बट वी कॉन्ट कंपेयर आर वैल्यू विद देम. क्लियर है आपको? Okay, now there is some limitation of this growth rate of national income. First one is difficulty in calculating the true national income. So first point is difficulty होती है calculate करना national income का. हमने discuss किया है 11th में भी कि national income हम तो calculate करते हैं, जहाँ पे issues भी कुछ होते हैं, just like a double counting हो गया, illiteracy हो गया, barter transactions हो गया, ठीक है, tax avoid कर दिए, कोई illegal यहाँ पे income हमें मिल रही हो उसकी हम include तो यहाँ पे नहीं करते national income में, तो कहीं ना कहीं हमें ये true value, true national income show नहीं होता, nation का नहीं दिखता. क्लियर है आपको?
नाउ सेकेंड वन इज पॉपुलेशन। हम तो देख रहे कि हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, बट हम ये नहीं भूलेंगे कि हमारे पॉपुलेशंस कितनी इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन के बेस पे हमारा कितना इंक्रीमेंट हुआ। जैसे कि एग्जांपल, अगर एक घर में दो पर्सन है जो अर्न करते, ठीक है, दोनों की इनकम, अगर दोनों अर्न करते तो उनकी इनकम 50,000 होती है, 50,000 की इनकम है। अगर वही घर में अब अर्न करने वाले 10 लोग हैं और उनको ऐड करो तो उनकी इनकम भी 50,000 ही है, तो क्या आप बोलोगे उनका इनकम भी इंक्रीज़ हुआ या यू कैन से उसका 60,000 हो गया होगा? तो वहाँ पे इनकम इंक्रीज़ है नहीं, यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसके बिहाफ पे उसको और होना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं हम अभी भी पीछे हैं। क्लियर है आपको? तो ये पॉपुलेशन भी हमें कहीं ना कहीं मैटर करता है, हमारा ट्रू नेचुरल इनकम शो नहीं करता। ओके, नाउ थर्ड, डिफरेंट मैटर ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। हम नेशन का इनकम क्यों कैलकुलेट करते हैं? हम कंपेयर कर सकें कि बाकी कंट्रियों से हम कितने आगे हैं, और इसका हम कंपेरिजन के लिए करते हैं मोस्टली, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेट करने का अलग अलग मेथड भी है, तीन मेथड कैलकुलेट करने के हैं, याद है आपको? प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ये तीन वे से हम अपने नेशनल इनकम को यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। अब हमने जो मेथड यूज़ किया होगा, हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं हमारा नेशनल इनकम, क्या पता उसने कोई और मेथड यूज़ किया हो। जब हम अलग मेथड यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने के लिए अपने इनकम को, तो वो अलग रिजल्ट डिराइव करता है, तो यहाँ पे जो हम कंपेरिजन करेंगे वो फ्रूटफुल नहीं होता। क्लियर है? तो ये तीन लिमिटेशन है हमारे ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम का। नाउ नेक्स्ट, ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम। व्हेन द पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री इंक्रीज फॉर अ लॉन्ग पीरियड कंटिन्यूसली, इट कैन बी सेड दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ टेकन प्लेस। पर कैपिटा इनकम इज एवरेज इनकम पर हेड। पर कैपिटा इनकम इज ग्रॉस नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। इफ़ द कंट्रीज पर कैपिटा इनकम राइज एट अ फास्टर रेट, डेवलपमेंट इज सेट टू बी फास्ट। इफ़ पर कैपिटा इनकम ग्रोज एट स्लो रेट, डेवलपमेंट इज स्लो। इफ पर कैपिटा इनकम इज कॉन्स्टेंट, देर इज स्टैग्नेशन, एंड इफ पर कैपिटा इनकम फॉल्स, डेवलपमेंट इज नेगेटिव। The ultimate objective of economic development is to improve the standard of living of the people and to raise the human development, for which the best indicator is per capita income. If development does not improve the standard of living of the people in real sense, it cannot be called as a development. अगर कोई नेशन का पर कैपिटा इनकम कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि वहाँ का इकोनॉमिक डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब हमें पता है पर कैपिटा इनकम होता क्या है। पर कैपिटा इनकम एक एवरेज होता है, हम फाइंड किए ना इसको, जहाँ पे हम टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, जो उसे हमें क्या मिलता है, एक एवरेज मिलता है, एक एवरेज नंबर मिलता है, एक एवरेज इनकम मिलता है, ठीक है। तो वो इनकम से हम, अगर वो पर कैपिटा इनकम हमारा ग्रो हुआ, इंक्रीज हुआ फास्टर रेट में, तो हम क्या बोलेंगे कि डेवलपमेंट उस कंट्री का फास्ट है। अगर वही पर कैपिटा इनकम ग्रो हुआ स्लो रेट पे, उस नेशन का इनकम थोड़ा थोड़ा स्लो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट स्लो है उस नेशन का। अगर उस नेशन का पर कैपिटा इनकम कॉन्स्टेंट है, ना इंक्रीज़ हुआ ना डिक्रीज़ हुआ, तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पे स्टैग्नेशन से। अगर कोई नेशन का पर कैपिटा इनकम फॉल, डिक्रीज हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट नेशन का नेगेटिव, ठीक है। अब देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेन मोटिव क्या होता है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना, ठीक है, और उनका ह्यूमन डेवलपमेंट करना। अब ये चीज़ के लिए जो बेस्ट इंडिकेटर है जिसको हम फाइंड कर सकते हैं, वो है पर कैपिटा इनकम। बट एक और बात, अगर डेवलपमेंट इम्प्रूव नहीं कर रहा है, अगर ये हो सपोज़ कि कोई नेशन, उसका डेवलपमेंट तो हो रहा है अबाउट, लेकिन वहाँ के लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव नहीं हो रही है, तो हम नहीं बोल सकते कि उस नेशन का वो डेवलपमेंट हो रहा है। क्लियर है आपको? ओके, अब इनका टेबुलर एक्सप्रेशन हम यहाँ पे देख लेंगे एक बार कंट्रीज़ का। तो फर्स्ट, एज यूजुअल नॉर्वे है, उनका पर कैपिटा नेशनल इनकम एज पर परचेसिंग पावर पैरिटी,
जो कन्वर्ट है यूएस डॉलर में कितना है वो 64,992 ये डॉलर्स में है। उनका ग्रोथ कितना हुआ परसेंट में एनुअली 1.1। अमेरिका उनका कितना है यहाँ पे पर कैपिटा नेशनल इनकम वो है 52,947 और जो कि इनका ग्रोथ रेट कितना है 1.6। श्रीलंका उनका कितना है 9,779 और ग्रोथ रेट कितना है उनका 3.5। चाइना 12,547 ग्रोथ रेट कितना है इसका 6.7। इंडिया 5,497 ग्रोथ रेट परसेंट में कितना है उनका 6। पाकिस्तान 4,866 ग्रोथ कितना है उनका 2.6। तो हमने यहाँ पे वही देखा कि हाँ कहीं ना कहीं इंडिया का ग्रोथ रेट परसेंट में अच्छा इम्प्रूव हो रहा है, हम डेवलपिंग स्टेज पे बट हमारा यहाँ पे इम्प्रूव अच्छा हो रहा है। बट हम यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते नॉर्वे और अमेरिका को कि वो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है और उनका परचेसिंग पावर पैरिटी सो कितना है देखो 64,992। मोस्टली हर कंपेरिजन में आपका जो यहाँ पे आएगा बुक में सब में नॉर्वे फिलहाल टॉप पे है। क्लियर है आपको? तो आपको रिसेंट डेटा है जो वही आपको ध्यान में रखनी है जो इंडिया की है नॉर्वे की है और जो लास्ट होती है वो ध्यान रखो, सब चीज़ें लर्न करना ज़रूरी नहीं है। क्लियर है? अब इस टॉपिक के भी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो क्या लिमिटेशन वो देख लेंगे। फर्स्ट इज ओनली एस्टिमेट, ये हमें एक एस्टिमेशन दे रहा है कि इतना अंदाजन इतना इतना इनका इनकम हो सकता है। हमें एक प्रॉपर एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता रहा ना कि एग्जैक्टली पर कैपिटल इनकम कितना है नेशन का, ये हमें सिर्फ एक एवरेज एक एस्टिमेट दिखाता है। क्लियर है? तो एक लिमिटेशन हो गया। सेकेंड, डिफिकल्टी इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटल इनकम, हमने पिछले टॉपिक में देखा था जहाँ पे नेशनल इनकम का लिमिटेशन था, जहाँ पे हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम था, डिफ़िकल्टी है। जस्ट सेम लाइक डेट ओनली यहाँ पर कैपिटा इनकम में भी हमें जब इसको कैलकुलेट करना होता है तो हम कांस्टेंट प्राइस ले रहे हैं कि कोई हम करंट प्राइस में मेंशन किया है, वो तो हमें यहाँ पे मेजर करने में डिफ़िकल्ट होता है। क्लियर है आपको? नाउ थर्ड, पर कैपिटा इनकम शोज ओनली एवरेज, वेरी सिंपल पॉइंट, ये हमें सिर्फ एक एवरेज ही दिखाता है कि कितना इतना इनकम हो सकता होगा नेशन के ऐसा। क्लियर है आपको? नाउ डिफिकल्टी इन कंपेरिजन, सेम टॉपिक ये भी है। एज वी ऑल नो, हम जो पर कैपिटा इनकम है ना अपनी करेंसीज को पहले कन्वर्ट करते हैं US डॉलर में, हम कंपेयर इसको US डॉलर से ही करते हैं। तो सब नेशन को अपनी अपनी करेंसी है जो US डॉलर में कन्वर्ट करके जो वैल्यू आती है वो बतानी होती है कि नेशन का कितना यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, अब देखो हर नेशन का जो एक्सचेंजिंग है वैल्यू वो अलग अलग है। ठीक है, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें डिफ़िकल्टी होती है कंपैरिजन में। क्लियर है? कैसे? सबका यहाँ पे डिफरेंट एक्सचेंज रेट होता है ना, किसी का वैल्यू कम, कहीं आप जाओ तो वहाँ पर ज़्यादा मिले, कहीं कम मिले, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज होगी हमें। क्लियर है? नाउ लास्ट, डिसेप्टिव इंडिकेटर। एज वी ऑल नो, पर कैपिटा इनकम हमें एक्चुअल इनकम नहीं शो कर रहा, वो हमें सिर्फ एक एवरेज दे रहा है और बहुत कुछ यहाँ पे ये इंडिकेटर्स बहुत कुछ हाइड भी करता है, बहुत चीज़ रिवील नहीं है, ओपन अप नहीं है, तो इसे हम कहीं ना कहीं करेक्ट इंडिकेटर नहीं बोल सकते। क्लियर है? नाउ थर्ड पॉइंट, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड PQLI। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस वॉट इज PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स क्या होता है। एज वी ऑल नो कि ऑब्जेक्टिव क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, मेन कि उसको अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करना है और वो इम्प्रूव कितना हुआ कितना नहीं वो मेजर करने का, ये भी एक इंडिकेटर है जिसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लेवल इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है। अब देखो वॉट इज़ PQLI, हर ह्यूमन बींग का कंजम्पशन लेवल अलग अलग होता है, कोई बहुत लग्जरियस गुड प्रेफर करता है, कोई कोई मिडिल में या कोई लो में। ठीक है, सबका कंजम्पशन लेवल अलग होता है, तो वो लेवल को मेजर करना, उसको प्रॉपर आइडेंटिफाई करना, वो चीज़ क्या दिखा रहा है कि उस उनकी फिज़िकल क्वालिटी कितनी है। ठीक है, उनका वो फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले से बढ़ा या नहीं, अगर बढ़ेगा तो क्या बोलेगी कि उनका PQLI इम्प्रूव हुआ है, उनका फिज़िकल क्वालिटी इम्प्रूव है। क्लियर है आपको? ओके, सो PQLI में हम कौन से चीज़ें इंक्लूड करते हैं। सो एस्पेक्ट विच आर इंक्लूडेड इन PQLI,
food, health and medical services, housing and clothing, education, transport, communication, energy, population having access to pure drinking water, average life expectancy, infant mortality rate and training facility. ये कुछ 10 aspect है जो हम include करते हैं PQLI में. Clear है? So if there is improvement in above 10 aspect, then it can be said that there is an improvement in PQLI. If there is no improvement, then it can be found out as where improvement is needed and remedial measures should be taken. The indicator which has the highest value is given 100 point. ये कुछ 10 aspects है, जैसे कि transport है, communication, energy, population, infant, drainage, health, housing, food. ये सब कुछ 10 aspect है जो include होता है हमारा PQLI में. अगर लोगों का ये improve हुआ, इसमें कुछ increase हुआ, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि उस नेशन का physical quality of life index अच्छा है. अगर अच्छा अगर नहीं है, improvement नहीं हुआ, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वहाँ पे हमें कुछ उसको देखना है कि वहाँ पे इम्प्रूव क्यों नहीं हो रहा, और फिर जो भी रेमेडियल मेजर, जो भी स्टेप है उसको इम्प्रूव करने का, उसको लेके हमें उनको आगे बढ़ाना है. क्लियर है? अभी इसको बढ़ाना, मेजर करने का जो पॉइंट होता है वो होता है 100. इसे हम कंसिडर करते हैं 0 से 100 तक. क्लियर है? क्योंकि हमें इसको मेजर करना है तो ऑब्वियसली वो एक न्यूमेरिकल वे में होना चाहिए, तो उसका मैक्सिमम पॉइंट जो है वो होता है 100. वो याद रखना, बहुत क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज में हाईएस्ट वैल्यू कितने हैं. क्लियर है? एंड ऑल्सो नाउ जो डेवलप कंट्रीज थी, उन्होंने अपना ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, अपना इम्प्रूव करना है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ. ओके, अब ये PQLI में मोस्टली ये 3 पॉइंट इंक्लूड होता है. वो क्यों है? देखो, एज वी डिस्कस अर्लियर, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, ये दो कॉन्सेप्ट को हम रियल इंडिकेशन तो नहीं बोल सकते, एक रियल इंडिकेटर नहीं है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं. तो इसका लिमिटेशंस को ध्यान देते हुए यहाँ पे मॉरिस डेविस मॉरिस, ये नाम नोट कर लेना, ये इन्होंने प्रेजेंट किया था फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इन शॉर्ट इसको हम बोलते हैं PQLI. ठीक है? ये किसके लिए था? ये एक्चुअल शो करता है कि जो मतलब यहाँ पे पुअर पीपल है उनका कितना लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हुआ है, वो मेजर करता है. अगर सपोज कोई कंट्री है, उसका लेवल, इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव है, अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर, तो हम बोल सकते हैं कि उसके मुकाबले हम डेवलप नेशन हैं. क्लियर है? तो उसको मेजर कर सकते हैं हम. तो वो कैसे इम्प्रूव है, कैसे इम्प्रूव होगा, वो हम मेजर करेंगे ये 3 वेज. So first is extent of education, which we can say literacy. Second, life expectancy. Third, infant mortality rate. अब literacy क्या है वो discuss करेंगे हम. Literacy level of the country determines situation of education. The percentage of population educated out of total population determine the extent of education. अब literacy level क्या है उस nation की, वो depend करता है, वो क्या determine करता है कि education level क्या है nation का. जितने परसेंटेज पॉपुलेशन यहाँ पे एडुकेटेड है आउट ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जितने पॉपुलेशन नेशन में है उसमें से कितने लोग यहाँ पे एडुकेटेड है, वो क्या शो करता है कि उस कंट्री का एडुकेशन लेवल क्या है. क्लियर है? वो मेजर करता है. सो सेकंड पॉइंट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. नंबर ऑफ इयर्स अ चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड टू लिव एट द टाइम ऑफ बर्थ इज नोन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. इट शोज द एवरेज लाइफ. इफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी राइज, इट कैन बी सेड दैट मेडिकल सर्विस ऑफ द कंट्री इज गुड. ओके, सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वर्ड से ही मालूम पड़ रहा है कि कितना लाइफ एक्सपेक्ट कर रहा है, कितने साल तक वो, अगर एक बच्चा बर्थ लिया तो उसका एक एक्सपेक्टेड ईयर कितना है, कब तक वो जिएगा. ठीक है? तो अगर जिस नेशन का जो अगर मेडिकल सर्विसेज अच्छा है, अगर वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई है उस नेशन की, सपोज की हमारे इंडिया की 68 ईयर्स की है, वैसे ही अगर कोई और नेशन जिसका 78 है या ज़्यादा आता है, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर जिसका जहाँ पे एक्सपेक्टेंसी लेवल ज़्यादा है, तो वो क्या बोलेंगे कि वहाँ का मेडिकल सर्विसेज अच्छा है. अगर हमारा एक्सपेक्टेशन यहाँ पे लेवल जो हमारा 50 या 45 कुछ हुआ, तो हम क्या बोलेंगे कि वहाँ का मेडिकल सर्विसेज अच्छा नहीं है. क्लियर है आपको? तो फर्स्ट हमारा लिटरेसी, सेकेंड हमारा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नाउ थर्ड इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट.
During a year, number of infants who die before 1 year out of 1,000 births is known as infant mortality rate. If infant mortality rate fall, it can be said that the health care service of the country is good. अब infant मतलब कौन होते हैं? जो छोटे बच्चे, जो एक साल के अंदर बच्चे होते हैं वो, ठीक है? तो इनका जो एक expectancy level है, मतलब कि अगर एक साल के अंदर अंदर कितने बच्चों की डेथ हो रही है उसको हम मेजर करते हैं, उसका एस्टिमेशन लेवल हम 1,000 पे हम मेजर करते हैं कि अगर ये 1,000 बर्थ लिए तो उस पर कितने बच्चे की डेथ हो रही है, ठीक है, विद इन अ 1 ईयर, मतलब एक साल का बच्चा जो है उसके अंदर, ठीक है, तो उसको मेजर करते 1,000 बर्थ को एस्टिमेट करते 1,000 में से कितनों की यहाँ पे डेथ हो रही है, ठीक है। अगर इन्फेंट मोर्टलिटी रेट कम हुआ, मतलब कि 1,000 पे सपोज़ पहले 30 की डेथ हो रही थी, अगर अब 10 की या 5 की हो रही है, तो वो क्या बताएगा, क्या शो करेगा कि उनका जो हेल्थ केयर सर्विसेज है नेशन का वो अच्छा है। अगर सपोज़ 1,000 में जो हमने यहाँ पे एस्टिमेट किया, अगर 1,050 या 100 लोग बच्चों की डेथ हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो क्या टाइपिक करता है हमें कि उस नेशन का न्यूट्रिशन लेवल या उनका जो हेल्थ केयर का सर्विसेज है वो प्रॉपर नहीं है। क्लियर है? सो दिस आर द वेरियस पॉइंट ऑफ PQLI। नाउ वी विल डिस्कस द फॉर्मुलेशन ऑफ PQLI। अब कैसे फॉर्म करते हैं PQLI वो डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज एवरी इंडिकेटर लिटरेसी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज गिवन 100 वेटेज। इसको हम सबको क्या एक 100 वेटेज, एक मतलब नंबर दे के रखे, 100 उनको वेटेज दिया गया है। ऑन द बेसिक ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द डिटर्मिनेंट इन दैट कंट्री इज ग्रेट बिटवीन 0 to 100। अब ये तीनों में से सपोज लिटरेसी का अगर रेट अच्छा है तो 70 दे दिया आउट ऑफ 100, एक्सपेक्टेंसी का अच्छा है तो उसको 90 दे दिया, इन्फेंट का ख़राब है तो 40 दे दिया, तो वैसे उनको आउट ऑफ 100 उनको उनके नंबर्स, उनके परफॉर्मेंस जो कंट्री के जैसे है उनको वैसे वहाँ पे नंबर्स मिलते हैं। अ टोटल ऑफ दिस ग्रेड ऑफ 3 फैक्टर आर समड अप। अब जो भी उनको मिले हैं पॉइंट्स, जो मतलब लिटरेसी 50 था, एक्सपेक्टेंसी 70 है, जो भी है, तीनों को एडअप करके डिवाइड करते हैं 3 से। This total is divided by 3 to derive an average. This data so derived is identified as PQLI. और जो value निकल के आती है उसे हम क्या बोलेंगे, वो PQLI nation का है। Clear है? Find कैसे करते PQLI? Okay. So now there is some important aspect to be considered. So first is PQLI closer to 100, better is the performance of all the 3 indices of PQLI of the country. क्या बोला गया है? अगर कोई भी नेशन का PQLI, अभी देखो हमने फॉर्मुलेट किया, किसी नेशन का अच्छा आया आउट ऑफ 100 70, किसी का 80, किसी का कुछ ज़्यादा है, जिसका भी अगर 100 के आसपास, फॉर एग्जांपल 90 हो गया, 95 है, 98 है, मतलब जो 100 के करीब जिसका PQLI फाइंड होके आता है उसे उसे हम क्या कि उस नेशन का फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स अच्छा है, उस नेशन का PQLI अच्छा है। अगर सेकेंड पॉइंट देखो, PQLI क्लोजर टू 0, बैड इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द 3 इंडाइस ऑफ PQLI ऑफ द कंट्री। अगर कोई भी नेशन का PQLI 0 के करीब है, फॉर एग्जाम्पल 10 हुआ, 5, 12, 20, ऐसा कुछ हुआ जो 0 के क्लोज है, जो 40 तक, ऐसा जो 0 के क्लोज है, अगर उतना कोई किसी का PQLI निकलता है तो हम क्या बोलेंगे कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है उस नेशन का। ओके, सो PQLI इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 100, याद रखना। हम मेजर किससे करते हैं इसको, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 100 तक। ओके, नाउ फोर्थ, PQLI कैन बी यूज टू कंपेयर टू स्टेट विद इन द कंट्री और डिफरेंट कंट्री। PQLI हम क्यों फाइंड करते हैं, या तो हम अपने स्टेट से कंपेयर कर सके, फॉर एग्जाम्पल गुजरात और महाराष्ट्र का, गुजरात का PQLI कितना है, महाराष्ट्र का कितना है, हम कंपेरिजन कर सकते हैं कि किसका बेटर है किसका नहीं। सेम हम कंपेरिजन बाहर भी कर सकते हैं कि अगर इंडिया का इतना है तो पाकिस्तान का कितना है यहाँ PQLI। तो हम यहाँ पे PQLI फाइंड जो करते हैं उसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं विद इन अ स्टेट और विद इन अ कंट्रीज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हायर द PQLI मोर इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो फर्स्ट पॉइंट ही डिस्कस किया हमने कि जो जिसका PQLI ज़्यादा हुआ 100 के पास है उसका हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा है। एंड लास्ट पॉइंट, लोअर द PQLI लेसर इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जिस नेशन का PQLI कम है, 0 के करीब है, तो उसका क्या बोले कि वहाँ पे कम इकोनॉमिक डेवलप हो रहा है।
क्लियर है? नाउ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है वो डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट वन इज पी क्यू एल आई इंक्लूड फैक्टर्स लाइक लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक्सेट्रा विच टच द स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ। पी क्यू एल आई क्या बताता है? लिटरेसी, एक एक लिटरेसी बताता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताता है। तो ये सब चीज़ें क्या बताती है कि ह्यूमन का स्टैंडर्ड कितना इम्प्रूव हो रहा है। तो ये पॉजिटिव साइड है। सेकेंड इज पी क्यू एल आई इज बेटर इंडेक्स वेन कंपेयर टू पर कैपिटा इनकम इंडेक्स। हमने यहाँ पे वेटेज दिया है उनको और जिसका जैसा परफॉर्मेंस को उसको उतना मार्क्सिंग दिया है। तो पर कैपिटा इनकम में क्या था, टोटल अप कर दो पूरा और डिवाइड कर दो उतने से, पर उससे बेटर ये क्या हमारा पी क्यू एल आई है जो एक प्रॉपर आपको एक इंडेक्स कहीं ना कहीं शो करता है एज कम्पेयर टू पर कैपिटा इनकम इंडेक्स। क्लियर है? नाउ थर्ड, पी क्यू एल आई एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ लेसर ड्रॉबैक एज अगेंस्ट नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम इंडिकेटर। पी क्यू एल आई के भी कुछ लिमिटेशंस है बट एज कम्पेयर टू नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम उनसे कम है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, विथ पी क्यू एल आई कंपेरिजन कैन बी मेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंट्रीज और डिफरेंट स्टेट ऑफ सेम कंट्रीज। ओके, सो पी क्यू एल आई हम कंपेरिजन यहाँ पे कर सकते हैं कि किस नेशन का पी क्यू एल आई ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू अस, या फिर किस स्टेट का पी क्यू एल आई अच्छा है। तो यहाँ पे हम कंपेरिजन कर सकते हैं इजिली। ओके, नाउ नेक्स्ट, वी कैन क्रिएट पी क्यू एल आई फॉर अर्बन रूरल एरिया फीमेल मेल एंड अ कंपेरिजन कैन बी डन। हम पी क्यू एल आई एरिया वाइज भी कर सकते हैं, रूरल एरिया अर्बन एरिया का या तो मेल फीमेल का कंपेरिजन जो हो वो यहाँ पर ईजीली हो सकता है। क्लियर है? अब तक हमने डिस्कस किया वो हमारा क्या था, पॉजिटिव साइड था, किसका था, पी क्यू एल आई का। अब पी क्यू एल आई में भी कुछ लिमिटेशन है वो डिस्कस कर लेंगे। सो फर्स्ट इज यहाँ पे हम ओनली थ्री एस्पेक्ट्स आर इंक्लूडेड एंड ऑन देयर बेसिस इट कैन नॉट बी कैटेगरीली स्टेटेड वेदर अ कंट्री हैज़ एक्चुअली डेवलप और नॉट। टू गेट द करेक्ट पिक्चर वी नीड टू इंक्लूड अदर फैक्टर ऑल्सो टू एग्जिस्टिंग वन। अब क्या बोला गया, हम पी क्यू एल आई में सिर्फ तीन चीज़ इंक्लूड करते, कौन सी थी हमारी, लिटरेसी है, एक्सपेक्टेंसी है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ये तीन चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे। तो इसके अलावा और भी एस्पेक्ट है जिसको ये खाली यही तीन हमें एक्चुअली नहीं बताएगा कि हमारा नेशन डेवलप है कि नहीं है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो हमें इंक्लूड करना है पी क्यू एल आई में, तो ही हमें एक प्रॉपर पिक्चर मिलेगा कि हमारा डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इम्प्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। क्लियर है आपको? तो लिमिटेशन में आ गया। सेकेंड, ओनली एवरेज आर डेपिक्टेड, हमें यहाँ पे सिर्फ एक एवरेज निकाल रहा है, ये भी कहीं ना कहीं तीनों को वैल्यू दे दिया हमने, डिवाइड कर दिया थ्री से, एक एवरेज वैल्यू आया, प्रॉपर वैल्यू नहीं है, जो एक क्या शो करता है, हम इसके बेसिस पे डिसीजन नहीं ले सकते ना कोई आगे कि हमारा डेवलप नहीं है कि हमारा कितना इम्प्रूव हुआ है, इसके बिहाफ पे हम आगे डिसीजन नहीं ले सकते इस एवरेज की बेस पे। क्लियर है? नाउ थर्ड, इफ़ अ कंट्री प्रेजेंट पी क्यू एल आई इज़ हाई इट कैन नॉट बी जनरलाइज दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ हाई एज अगेंस्ट अदर कंट्री। अगर कोई नेशन बताता है कि हमारा पी क्यू एल आई तो अच्छा है भाई, अच्छा आया है, हाई है हमारा पी क्यू एल आई, तो ये नहीं शो करता कि अलग दूसरे कंट्री से उसका ज़्यादा है। क्लियर है? क्योंकि उनका जो पॉइंट्स है उन्होंने खुद मेजर किया प्रॉपर है या नहीं है, वो एक एवरेज ही शो कर रहा है कहीं ना कहीं ना, तो हम ये नहीं बोल सकते कि उनसे हमारा ज़्यादा है, इकोनॉमिक डेवलप ज़्यादा हुआ है एक्चुअल में। क्लियर है? नाउ फोर्थ, इट इज़ नॉट राइट टू गिव इक्वल वेटेज टू ऑल इंडिकेटर, ऑल थ्री एस नॉट हैव सेम इम्पॉर्टेंस इन ह्यूमन लाइफ। हमने पी क्यू एल आई में सब तीनों को हमने सेम इंडिकेटर प्रोवाइड किया, हमने सबको इक्वल वेटेज दिया 100 100 100, बट एक्चुअल में सबका इम्पोर्टेंस उतना तो नहीं होता ना। जैसे एग्जांपल ले लो, फूड, कार और एजुकेशन कह लो, अब ये तीन चीज़ को हम मेंटेन करना है, अब तीनों का इक्वल इम्पोर्टेंस तो नहीं है ना। सबसे इम्पोर्टेंस की चीज़ कौन सी होगी, वो होगा फूड, वो फुलफिल करना है, उसके बाद क्या आएगा, कार आएगा कि लिटरेसी आएगा, ऑब्वियसली लिटरेसी आएगा एंड देन हमारा यहाँ पे कार का होगा। तो ऐसे ही हर चीज़ का इम्पोर्टेंस इक्वल नहीं होता, बट हमने पी क्यू एल आई में तीनों चीज़ को इक्वल वेटेज दे के रखा है, जो कि एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? सो नाउ फिफ्थ पॉइंट, ग्रोथ ऑफ इनकम एज हैज़
high importance in physical quality of life index and ignoring that is not possible. सो इनकम में कितना ग्रोथ हुआ ये तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में जो हमने इंक्लूड नहीं किया ये तीन एस्पेक्ट में तो भी कहीं ना कहीं लिमिटेशन में आया. नाउ सिक्स द पी क्यू एल आई ऑफ विच कंट्री राइज एट स्लोअर रेट बिकॉज एवरेज लाइफ कैन नॉट इंक्रीज बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लिमिट. अभी देखो जो रिच कंट्रीज़ है जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है तो उनका आगे तो उनका ग्रोथ रेट तो स्लो ही होगा. हमने वो देखा डेवलपमेंट और ग्रोथ में कि जो नेशन ने डेवलप कर चुकी है उसका ग्रोथ रेट आगे उनका ग्रोथ करना डेवलपमेंट का हो चुका है. तो वैसे ही जो रिच कंट्रीज़ है उनका पी क्यू एल आई का जो ग्रोथ रेट होगा वो स्लो रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर क्योंकि वो एक बियॉन्ड द लेवल तो अपना क्रॉस नहीं कर सकते ना इंक्रीज नहीं कर सकते. उन्होंने ऑलरेडी डेवलपमेंट के बाद अपना चेंजेस ला रहे हैं तो वो तो उनका ऑलरेडी इंक्रीज रेट में ही है. भले वो स्लो इंक्रीज हो रहा है बट वो अपने इंक्रीज रेट में ही है. क्लियर है? तो वही बोला गया है कि बिकॉज एवरेज लाइफ कैन नॉट इंक्रीज बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लिमिट. नाउ द प्रेजेंट सिनेरियो आफ्टर 1003 इंस्टीट्यूट ऑफ 3.3 मोर एस्पेक्ट वर इंक्लूड इन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स विच वी कैन कॉल एज क्यू एल आई इज प्रिपेयर इन द वर्ल्ड. ओके नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. सो ये भी एक इंडिकेटर है मेजर करने का कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हुआ है नेशन में. ओके सो एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रेडी होती है एक रिपोर्ट जो बनाता है कौन यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. ठीक है तो ये प्रेजेंट कौन करता है एचडीआर कौन से ईयर में किया था इन्होंने 1990 में. ओके सो ये यूएनडीपी जो है सो फुल फॉर्म उसका बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम्स में और कौन से ईयर में था हम तो उसको ध्यान था देख दीजिएगा इस पर कि कौन बनाता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तो वो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. ओके सो इनका भी मेन वही मोटिव है मेजर करना है कि इकोनॉमिक डेवलप कितना हुआ है नेशन का. ये आपको एक रिपोर्ट शो करता है ओवरऑल. ठीक है सो ये रिपोर्ट जो मेंटेन होती है वो तीन चीज़ के बिहाफ पे होती है. वो तीन चीज़ क्या है यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी नॉलेज एंड गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तो हम डिटेल में कर लेंगे इसे. पहला हमारा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी. व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर पर्सन विल लिव एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री डिटरमाइन द वैल्यू इफ इट इज़ लेस देन 50 ईयर That country is said to be deficient in health. Higher the life expectancy, better the HDI. अब क्या बोला गया है कि HDI जो यहाँ पे life expectancy पहला point कि expected number of year एक person अपने birth से आगे कितने साल तक वो जिएगा. ठीक है अगर उसका एज 50 ईयर से कम है सपोज से कोई नेशन में ऐसा है जहाँ पे 50 ईयर के अंदर ही लोगों की डेथ हो रही है तो वो क्या बताएगा कि उनका सेम हेल्थ अच्छा नहीं है हेल्थ अच्छा नहीं है नेशन का. ठीक है उसको हम क्या बोलेंगे डेफिशिएंट इन हेल्थ. हेल्थ में यहाँ पे कोई मतलब प्रॉपर नहीं है इनका. ठीक है जिस नेशन का एक्सपेक्टेंसी हायर होगा उसको हम बोलेंगे वहाँ का HDI अच्छा है. ओके नाउ सेकेंड नॉलेज टू नो द क्वांटम ऑफ नॉलेज एडल्ट लिटरेसी इन परसेंट इज कैलकुलेटेड पीपल इन द एज ग्रुप 15 ईयर एंड अबो आर इंक्लूडेड. मेनली टू एस्पेक्ट आर इंक्लूड इन दिस नंबर ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग. द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल नंबर ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग इज टेकन टू डिराइव द वैल्यू. अब क्या बोला गया है टू नो द क्वांटम ऑफ नॉलेज मतलब एडल्ट इसमें हम कितने कैलकुलेट ये करते हैं मेन कि 15 ईयर और 15 से ज़्यादा जो एज के बच्चे हैं उसको हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं. और इसमें हम दो चीज़ इंक्लूड करते हैं मेन है नंबर ऑफ ईयर स्कूलिंग अगर एक बच्चा स्कूल जा रहा है तो कितना मतलब कितने साल तक वो स्कूल जा रहा है और एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर स्कूलिंग वो कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं एक तो वो देखना है हमें और दूसरा कि कहाँ तक मतलब वो या तो वो स्कूलिंग खाली कंप्लीट करेगा ग्रेजुएट होगा या फिर मास्टर्स करेगा वो एक एक्सपेक्टेशन लेवल हम यहाँ पे देखते हैं. तो दो चीज़ मैटर करता है यहाँ पे एक बच्चे स्कूल कितने जा रहे और एक्सपेक्टेड कितने आगे वो आगे कहाँ तक पढ़ सकता है. तो दोनों का जो डिफरेंस है नंबर ऑफ ईयर स्कूलिंग जो जा रहे और कितना एक्सपेक्टेशन है एक्सपेक्टेशन और अभी का दोनों के जो बीच का गैप है एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल का वो हम देखते हैं उससे हम डिराइव करते हैं वैल्यू कि नॉलेज लिटरेसी कितनी है नेशन की. ठीक
क्लियर है आपको? नाउ थर्ड, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रिफर्स टू द अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकल सर्विसेज, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, पर कैपिटा कैलोरी अवेलेबिलिटी पर डे एंड मैनी मोर आर कंसिडर विच इज डिपेंड ऑन इनकम. नाउ थर्ड पॉइंट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, क्या कंजम्पशन लेवल क्या है उनको, प्रॉपर पानी मिल रहा है या नहीं, मेडिकल सर्विसेज क्या है, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बेसिक बेसिक चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होगी. अगर वो डिपेंड किस पे करता है, इन शॉर्ट उनके इनकम में, उनका जितना इनकम, उनके इनकम के बिहाफ पे वो लोग अपने यहाँ पे अपना सेट करते हैं स्टैंडर्ड. क्लियर है आपको? तो ये बोला कि ये तीन पॉइंट है HDI का जो इंक्लूड करता है HDR रिपोर्ट मेंटेन करने में. कौन से थे हमारे वो? लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, नॉलेज है एंड गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अब कुछ इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देख लेंगे हम. सो फर्स्ट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ HDI इज 1 विच इज़ बेस्ड ऑन 3 स्टैंडर्ड. तो हम HDI को वैल्यू देते हैं, वो किसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 1. ओके, द वैल्यू ऑफ HDI रेंज फ्रॉम 0 to 1. हम HDI को जो रेंज देते हैं, जो वैल्यू डिराइव होती है, वो कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए हमारी? 0 to 1 के बीच में. ओके, PQLI में 0 to 100 है, कन्फ्यूज नहीं होना है. HDI जब भी आया तो उसकी वैल्यू हम कहाँ से, कितना वैल्यूज की है, मिनिमम मैक्सिमम, तो मिनिमम 0 है एंड मैक्सिमम 1 तक है. क्लियर है आपको? द कंट्री हुज HDI इज क्लोजर टू 1 इज कंसिडर्ड मोर डेवलप्ड, इट गेट हायर रैंकिंग इन HDI. सेम, जिसका HDI रिपोर्ट जो 1 के पास होगा, मतलब 0.9, 0.8 ऐसा कुछ हुआ, उससे हम क्या बोलेंगे कि उस नेशन का डेवलपमेंट अच्छा है. और नेक्स्ट पॉइंट, दैट कंट्री हुज HDI इज फर्दर फादर फ्रॉम 1 इज कंसिडर्ड लेस डेवलप, इट गेट्स लोअर रैंकिंग इन HDI. जिस कंट्री का जो ये HDI रिपोर्ट है वो 1 से बहुत दूर, मतलब कि 0 के आसपास है, उसे हम क्या बोलेंगे कि उस नेशन का HDI प्रॉपर नहीं है. इन 2014 नॉर्वे रैंक फर्स्ट विथ 0.944 HDI, वाई इंडिया विथ HDI ऑफ 0.609 रैंक्ड 130th आउट ऑफ 188 कंट्रीज. 2014 की रिपोर्ट है, जो इंडिया है, सॉरी जो नॉर्वे था, वो फर्स्ट रैंक पे है और उनका कितना था HDI? 0.944, विच इज़ वेरी क्लोजर टू 1. वाई इंडिया कितना रैंक यहाँ पे कितना था HDI? 0.609. ये इंपॉर्टेंट है, पूछते भी बहुत बार एग्जाम्स में, फर्स्ट रैंक का और इंडिया का HDI क्या था, कितना था, कौन से रैंक पे था. तो कौन सा रैंक था इंडिया का? 130th रैंक था, और कितने कंट्री में से? 188. तो वी कैन सी कि हम अभी भी बहुत पीछे है, हमारा HDI इतना इम्प्रूव नहीं हुआ है. ओके, अब हम डिस्कस करेंगे HDR रिपोर्ट 50 में जो आया था, टेबल हम देख लेंगे. ओके, सो यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ हैं, उनके HDI दिया हुआ है, उनका वैल्यू डिराइव कितना हुआ था, उनका पर कैपिटा इनकम कितना इंक्रीज हुआ है वो बताया उन्होंने, उनकी एक्सपेक्टेंसी लाइफ कितनी है, कहाँ कब तक स्कूल जाते हैं, और एवरेज कितने साल तक बच्चे स्कूल, मतलब एवरेज नंबर ऑफ ईयर दे आर गोइंग फॉर इन स्कूल. तो हम पहले डिस्कस करेंगे नॉर्वे, जो फर्स्ट रैंक पे है, जिसका HDI कितना है? 0.944. उनका पर कैपिटल ग्रोथ नेशनल इनकम कितना है? 64,992 डॉलर्स में. हाँ, और उनका एवरेज लाइफ कितना आया है उनका? 81.6, मतलब 82 साल तक उनका एक्सपेक्टेंसी है लाइफ का. और उन्होंने एक्सपेक्टेड कितना यहाँ पे गए हैं, कितना एक्सपेक्ट किया है स्कूल जाने का, मतलब एक लेवल निकला था वो तो 17.5, बट एवरेज कितने लोग स्कूल जा रहे हैं, कितने नंबर ऑफ स्कूल अटेंड किए, स्कूलिंग किया उन्होंने, तो वो है 12.6. क्लियर है? नाउ सेम फॉर अमेरिका, उनका HDI कितना है? 0.915, जो कि अच्छा है. और रैंक कौन सा है उनका? 8th में आउट ऑफ 188. उनका पर कैपिटा इनकम कितना था? 2,947. एवरेज वहाँ की लाइफ कितनी है? 79.1. एक्सपेक्टेड यहाँ पे स्कूलिंग कितना है? 16.5. और एवरेज कितना है? 12.9. नाउ चाइना का HDI रिपोर्ट कितना था? 0.727, जो भी फिर भी अच्छा ही है. रैंक किसमें उनका? 19. पर कैपिटा इनकम कितना था उनका? 12,547. एवरेज लाइफ 75.8, मतलब 76 ईयर उनका है एक्सपेक्टेंसी लाइफ का. स्कूलिंग का कितना है? 13.1, और एवरेज 7.5. नाउ कम ऑन इंडिया, इंडिया का HDI कितना है? 0.609. रैंक कितना है हमारा? 130th है. पर कैपिटा ग्रोथ नेशनल इनकम कितना है हमारा? देखो कितना कम है, देखो 5,497 ओनली. और एवरेज यहाँ पे कितना है हमारा लाइफ का? यहाँ पे 68 ईयर्स ओनली.
एक्सपेक्टेड एरिया कितना है हमारा, एक्सपेक्टेड ईयर स्कूलिंग का 11.7 दिया है, बट एवरेज कितना हमारा आया यहाँ पे, सिर्फ 5.4। नाउ सेम फॉर पाकिस्तान एंड लास्ट इज नाइजर। ठीक है, इनका ये लास्ट में आती है नाइगर। ओके सो दिशा, ये आपको डिस्क्राइब किया गया है वही पूरा पार्ट, एक बार रिफ़र कर लेना। ओके नाउ डिराइव कंक्लूजन क्या है, कंक्लूड क्या होगा वो देख लेंगे। इन 2014 नॉर्वे इज़ नंबर वन विथ 0.944 इन ह्यूमन डेवलपमेंट। पता है हमें फर्स्ट नंबर में कौन आता है, रैंक में कौन था, नॉर्वे, उनका एचडीआई कितना था 0.944। सेकेंड इंडिया विथ 0.609 इज 130th इन द लिस्ट ऑफ 188। वही डिस्कस किया, वही सब यह पॉइंट है। इंडिया कम्स इन मॉडरेट ह्यूमन डेवलप कंट्री इज क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और हम कौन से रो में आते हैं, ह्यूमन मॉडरेट रो, मॉडरेट लेवल पे आते हैं, जहाँ हाई में है ना, लो में है, मॉडरेट लेवल में है एचडीआई में। ओके एंड लास्ट में कौन है यहाँ पे, नाइजर है, उनका उनका कितना था एचडीआई 0.348। ओके नाउ विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एचडीआई इज कम्प्लीटली एज इट नॉट ओनली टेक इकोनॉमिक फैक्टर बट ऑल्सो इंक्लूड सोशल वेलफेयर बाई गिविंग इम्पॉर्टेंस टू एजुकेशन एंड हेल्थ। एच डी आई है वो सिर्फ यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ साथ जो वेलफेयर, जो हो सोशल वेलफेयर है उसको भी इम्पॉर्टेंस दिया है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन है, हेल्थ है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हुआ। सेकेंड, एच डी आई इंडिकेट द पॉलिसी मेकर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ओनली अ टूल बट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज ओनली ह्यूमन वेलफेयर। ये कहीं ना कहीं बोला गया कि एक इंडिकेटर है ह्यूमन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, बट इन शॉर्ट ये कहीं ना कहीं इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ह्यूमन वेलफेयर करना। क्लियर है। नाउ थर्ड, ट्रू प्रोग्रेस। अगर हम प्रोग्रेस लेवल हमारा कब ट्रू प्रॉपर होगा, जब हमारा प्रोग्रेस के साथ साथ हम सोशल प्रोग्रेस, इकोनॉमिक के साथ साथ हम सोशल प्रोग्रेस भी करें, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रू प्रोग्रेस, जो कि एचडीआई करता है। नाउ फोर्थ, एचडीआई इज फंक्शनल। अ राइज इन द एचडीआई इंडिकेट डेट हेल्थ एंड एजुकेशन हैज़ इम्प्रूव इन द कंट्री। एचडीआई का फंक्शन ही क्या है वो, अगर एचडीआई उनका बड़ा कोई नेशन का, तो क्या बताएगा कि उस नेशन का हेल्थ और एजुकेशन इम्प्रूव हुआ है। क्लियर है। डेवलपिंग कंट्रीज गेट एन आइडिया एज टू वेयर देयर इज स्कोप फॉर डेवलपमेंट एंड इन विच डायरेक्शन शुड बी द गवर्नमेंट वर्क बाय लुकिंग इनटू द एचडीआई। जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको ये एचडीआई से मालूम पड़ता है इतना कि उनको किस फील्ड में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट या किस वे में उनको ज़्यादा डेवलपमेंट करने का कर सकते हैं वो। ठीक है ना, एचडीआई प्रोग्रेस इज इट इन इट्स अप्रोच, प्रोग्रेस ही उनका मेन फैक्टर्स है। ओके नाउ लिमिटेशन, ओनली 3 सोशल इंडिकेटर्स आर इंक्लूड इन एच डी आई विच इज़ लेस, अदर सोशल इंडिकेशन शुड हैव बीन इंक्लूडेड। इसका भी सेम वही है, इसमें भी हम सिर्फ 3 ही फैक्टर इंक्लूड करते हैं, बाकी को इंक्लूड नहीं किया है जो बाकी भी इम्पॉर्टेंट है। ओके सो ऑल 3 इंडिकेटर्स आर गिवन इक्वल वेटेज, बट इन रियली इन डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट इंडिकेटर हैव इम्पॉर्टेंस। अब इन तीनों को भी हमने इक्वल वेटेज ही दिया था, तो ज़रूरी नहीं है कि सब तीनों का इक्वल वेटेज हो, सब तीनों का इक्वल इम्पॉर्टेंस हो, तो ये ड्रॉबैक में आ गया एक पॉइंट। थर्ड इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन, इट ओनली शोज द रिलेटिव प्रोग्रेस एट इज कंपेयर वन कंट्री विद द अदर। एचडीआई हमको एक एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं दिया है, बता रहा, वो सिर्फ हमें प्रोग्रेस दिखा रहा है। अगर हम कंपेयर करते हैं अलग कंट्री से तो कितना प्रोग्रेस है वही बता रहा है, एक्चुअल इसका एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन कितना इम्प्रूव कितना इंक्रीज हुआ है वो हमें नहीं बता रहा है। एचडीआई के अलावा और भी रिपोर्ट्स हैं, और जैसे कि जीडीआई, एचपीआई, टीएआई, एचसीआई, ये भी हम यूज़ करते हैं एज अ इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट इन इन आर सिलेबस वी हैव डिस्कस ओनली 4 ऑफ दिस। क्लियर है। हियर वी आर एंडिंग विद आर सेकेंड चैप्टर।